अब सर ने पढ़ा तो दिया है कि पार इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। बहुत कुछ पढ़ा दिया सर ने, लेकिन एक्चुअल में इनका एप्लीकेशन कैसे करना है? सर मुझे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सर मुझे अपनी बुक्स के कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहा हूं। तो आइए क्लास 9th की सीरीज में हम लोग इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए हैं कि हाउ टू यूज फॉर्मूलाज। मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन कराऊंगा और उन 5 क्वेश्चन में जो ये टॉपिक रिलेटेड है वो है एनर्जी का और वर्क का। और ये 5 क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है। और ये एक छोटा सा फेस्टिवल होमवर्क समझ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब क्लास ली थी तो मैंने आपको मेरे ख्याल से पार्स पढ़ा दिया था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बाद का है तो इस वजह से मैं केवल पार को बाद में टच करूंगा। अभी फिलहाल तो 5 क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, अपना पहला सेशन और पहले क्वेश्चन के साथ। तो सर प्लीज अप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज गिव मी योर फोन, क्योंकि रमन सर है फोन में तो आप जानते ही है उनका पुराना नाता है। तो सर मुझे आपको आपका फोन चाहिए, मुझे क्वेश्चन क्योंकि दिख नहीं रहा है। अब रमन सर पता क्या कर रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं फोन मुझे, मैं जैसे छीनूंगा वो ऐसे करेगा, नहीं नहीं बस कर ना, ऐसा। फोन से उनका बहुत पुराना गहरा रिश्ता है भाई, समझ रहे हैं आप लोग। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेबल ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग। टेबल कुछ गड़बड़ है भाई, है ना। कोई बात नहीं, मास ऑफ 50 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी इफ मास इज डबल एंड वेलोसिटी इज डबल। वाओ, एक ही बार में 2 क्वेश्चन, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों की तरीके आपको सीखना है कि क्या करना है, गिवन लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। तो क्या गिवन है दोस्तों? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 50 ग्राम्स। इसके बाद कहता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया हुआ है? कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। और क्या कहता है दूसरी केस में, जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाए तो भाई साहब इधर पे ध्यान दे लेना, अब मास को क्या करना है, डबल कर देना है, और जो वेलोसिटी है उसको भी क्या कर देना है, डबल कर देना है। अब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो थोड़ा सा टफ टास्क है ना। चलो अब हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूलाज, चलो जरा ध्यान दो भाई। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हमने गिवन लिख लिया, अब इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करना है कि ये बताइए सर कि मैं क्या फाइंड करूं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन बोलेगा कि भैया मुझे फाइंड करो, मुझे फाइंड करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू में स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, राइट। तो यहां से क्या हो गया, हाफ एम की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम। एक प्रॉब्लम हो गई, केजी में चाहिए था, दिया किसमें है ग्राम में, तो केजी में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 0.5 केजी हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा 0.5 केजी। चलो भाई 0.05 होगा, सॉरी 0.05 केजी होगा। तो हो गया 0.05 केजी इंटू में वी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में 10। तो देखो 2 5 10 50 इंटू में 0.05। अब क्या आप लोग फाइंड कर लोगे इतना जूल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फाइंड कर लोगे, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा टफ टास्क ये नहीं था, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन टफ था। अगर बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो वो एकदम हवा में उड़ा के रख देंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, उनके लिए तो एकदम हलवा है, हलवा जानते हो ना, खाते जाओ खाते जाओ। चलो मास को डबल करना है तो मास कितना था 50 ग्राम, अब कितना हो गया 100, तो मास हो जाएगा हमारे पास 100। वेलोसिटी कितनी थी 10, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, 100 ग्राम को पहले केजी में चेंज करेंगे तो 100 अपॉन में 1000, 1 2 3 1 2 3 0.1 क्या हो जाएगा केजी। तो काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 मास हमने ऑलरेडी डबल कर रखा हुआ है, तो 0.1 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर, मतलब 20 इंटू में 20, ये 10 हो गया तो हो गया 1 इंटू में 20। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं क्योंकि छोटा सा है, 20 जूल आंसर आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आंसर, बहुत बढ़िया बात है। चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्क फॉर एनर्जी, राइट। आप पता है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स जो भी एनसीईआरटी में सारे के सारे करके रखने हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछूंगा। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप सबके नाम के साथ बोलूंगा कि क्या आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। रमन सर प्लीज अप्लाई द क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ढीले पड़ जाते हैं बेचारे, क्या करें, थक जाते हैं, क्यों शादीशुदा आदमी है, कोई बात नहीं। सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग दैट व्हाट इज द वर्क टू बी डन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। प्लीज टाइपिंग में ध्यान न दे क्योंकि ये मैंने खुद ने किए हुए हैं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, गिवन क्या क्या है, चलो देखो, अगर पहली वेलोसिटी है तो इनिशियल, दूसरी वेलोसिटी तो फाइनल, भाई सिंपल सी बात है और तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा क्योंकि रुकती है नहीं, तो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और मास कितना दिया हुआ दोस्तों 1500 kg, राइट। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको याद होगा वर्क जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी वो क्या कहती थी, वो कहती थी वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m × में क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, याद आया, ये क्या है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, w o r k e n e r g y t h e o r e थ्योरम, राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अच्छा इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालो इनिशियल, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो फाइनल, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये भी नाटक कब कर सकते हैं 1/2 m u² और 1/2 m v², ये भी आप कर सकते हैं तरीका नंबर दो। तो ये है हमारे पास दूसरा तरीका, लेकिन पहला हमें ये अप्लाई करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर नहीं किया होता तो टीचर से करते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सो द वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, w इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है 1500, बहुत बढ़िया बात है, v स्क्वायर की वैल्यू है 60 × 60 = 3600, है ना, 60 × 36 = 00 माइनस u स्क्वायर 3309 900, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750, बहुत बढ़िया बात है 750, और इसके बाद ये कितना बचेगा, 0 से 0, 0 से 0, 16 में 9 क्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 3 में 1 क्या 2 2700। अब देखो यार मल्टीप्लाई तुम खुद करा लेना, मल्टीप्लाई भी सिखाना पड़ेगा क्या, तो अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो जो नंबर आएगा हमारे पास, मान लो x आया इतना आ जाएगा क्या इतना जूल, क्योंकि वर्क का भी तो एसआई यूनिट जूल होता है। देखिए एसआई यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपने नहीं लिखा नंबर आपका गया, ये बात समझिए, अगर अच्छा एक फिजिक्स टीचर है तो उसमें ध्यान देना है। यहां से भी आप निकाल सकते हो तरीका नंबर दो, तरीका नंबर एक, इन्हें से जो पसंद आ रहा हो तो छाप फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब अच्छा ही बताओ कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो रहा है कि नहीं बोला, बहुत बढ़िया बात, चलिए सर कुछ प्लीज अप्लाई द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड, चलो मैं रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कैलकुलेट, थोड़ा सा रीड कर लिया करो यार, तुम लोग भी गलत अर्थ करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के सुनते नहीं हो तुम लोग। कहता है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन स्टॉप अ कार 1500 केजी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्टॉप अ कार मतलब वी की वैल्यू कितनी हो गई भैया, जीरो हो गई, बहुत बढ़िया बात है, तो वी तो हो गया जीरो, यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 60 दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, तो अब बताओ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। वर्क डन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी, तो वर्क डन निकालोगे नहीं निकालोगे। अब ये पता है वर्क डन नेगेटिव में आएगा क्योंकि देखो वी क्या है जीरो है, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि क्या हो रहा है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाता है तो फोर्स लगाता है अगेंस्ट कर वर्क करने के लिए, इसलिए माइनस साइन शो करेगा। कैलकुलेट करोगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, आपको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बताओ सेम क्वेश्चन था निकाल लोगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो होमवर्क है, मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए था, मैं आज के आज कमेंट चेक करूंगा 2 घंटे के बाद, ये बात समझ लीजिए। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कहता है अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड होना चाहिए विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल, है काइनेटिक एनर्जी के साइन जूल कब से होने लगी भाई, जूल है वो जूल, ठीक है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 20 J joule, ओके। फिर कहता है इफ इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 meter, अरे बहुत ऊपर चली गई भाई, इतना ऊपर कहे गई हो वापस नहीं आ पाओगी, 1 meter मैक्सिमम हाइट है भाई, ये मैक्सिमम है, बहुत बढ़िया। कहता है फाइंड द मास ऑफ द बॉल इफ g इज इक्वल टू 10, g इज इक्वल टू कितना है 10, और क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 m v², तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनटू में 2 अपॉन में v स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब क्या क्या गिवन है जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी है, यस सर, 2 है, वो तो है ही ना, निकालना क्या है, v निकालना है, क्या निकालना है v,
तो बताओ हाउ टू कैलकुलेट v। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में वापस चलना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आपको शायद याद हो, इसीलिए g की वैल्यू यहां पर गिवन है, ठीक है ना। तो चलो v स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है देखो क्या कहता है। जस्ट अ सेकेंड, अ बॉल इज थ्रो वर्ड काइनेटिक एनर्जी 20 जूल रिचेज द मैक्सिमम हाइट, ओके 1 मीटर, फाइंड द मास ऑफ बॉल g। अच्छा ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे लगता है इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पहले तो पहले यार इनिशियल लॉ, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu² तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो v देखो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, v हो जाएगा जीरो, और u स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा 2 × में g की वैल्यू कितनी है 10 और h की वैल्यू है 1, तो माइनस का u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब जरा देखो ये 10 की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव भाई नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है ना यार, तो नीचे ऊपर जाओगे तो g की वैल्यू माइनस हो जाएगा कितना 20, कैसा है माइनस 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 कैंसिल, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। बहुत बढ़िया बात है भाई। अच्छा अब क्या बताओ, मैं बात करूंगा इनिशियल मास की या फाइनल मास की, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं बताओ। यार मास तो कभी चेंज नहीं होता ना दोस्त, तो जो मास यहां पर होगा धरती में वही आसमान में होगा, और वैसे भी वो मैक्सिमम हाइट बहुत ऊपर भी गई थी ना, 1 मीटर का दिया हुआ है, तो मास कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी चेंज, है ना, मास कैन नॉट बी चेंज। सो अगर मैं इनिशियल में निकाल लेता हूं इनर्शियल मास तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं और m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2/u². बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो, 2 तो है ही है, u स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आंसर कितना आसान था, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आएगा अगर आपको फॉर्मूले याद है। अब कहोगे सर करा रहे हो वर्क पावर एनर्जी और क्वेश्चन करा रहे हो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर थर्ड का, चैप्टर नंबर थर्ड का तो बताओ, थर्ड का एंड सेकंड का तो कैसे आएगा भाई, अब वो पढ़ के आए हो ये तो आपको तैयार होना चाहिए ना यार। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो है क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस विद अगेंस्ट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी तो नया था आपके लिए, अब आई होप कि आप लोग क्वेश्चन करने लग जाओगे। चलो बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन दिया है अ मास ऑफ 3 ग्राम ऑफ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इन जूल, इन जूल ना, कितना सिंपल यार, मास दिया है वेलोसिटी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो m दिया है और v दिया है, तो जैसे ही m की वैल्यू रखोगे v की वैल्यू रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने राइट right? तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जूल में निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, एक रिलेशन होता है 3.6 × 10 to the power। खैर चलो दो क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं होमवर्क के लिए, ताकि आप भी हाथ पैर चलाओ, ये नहीं कि लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो बस एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आई होप कि मैंने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा अगेंस्ट द न्यूमेरिकल्स। मिलता हूं किसी नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा धमाकेदार न्यूमेरिकल्स और बहुत ही बेहतरीन असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।